नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अगले सप्ताह रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। उससे पहले 27 मई को समाप्त सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.854 बिलियन डॉलर की तेजी दर्ज की गई, जिसकी मदद से ये फिर से 601.363 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार ये वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई है। क्या आप भी रेल यात्री हैं तो आपके लिए ये बेहद जरूरी खबर है। अगर आपको किसी कारणवश अचानक ट्रेन से सफर करना पड़ जाए तो अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन से सफर यात्रा कर सकते हैं। दरअसल पहले तत्काल टिकट ही ऐसे समय का सहारा था, लेकिन उसमें भी टिकट मिलना आसान नहीं होता। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अपनी दस्तक दे दी है। इसके बाद करीब 5 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बंगाल में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में 8 जून की सुबह तक कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया गया है। अगले 5 दिनों तक नॉर्थ ईस्ट का मौसम प्रभावित होगा। वहीं बंगाल के गंगा किनारे वाले जिलों में बिजली चमकने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक 5 साल की बच्ची में मॉन्की पॉक्स जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद निजी अस्पताल के अधिकारियों ने शुक्रवार को गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हालांकि मामले की पुष्टि नहीं की और बताया कि उन्होंने सैंपल इकट्ठा कर उन्हें परीक्षण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को कर्नाटक और तेलंगाना टीम भेजकर अध्ययन कराना चाहिए कि इन दोनों राज्यों ने किस प्रकार जाति आधारित गणना कराई थी। साथ ही इस बात का भी अध्ययन कराना चाहिए कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में क्या त्रुटियां थी कि केंद्र सरकार जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करा पाई। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता शनिवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। मूसेवाला की 29 मई को मानसा में अज्ञात हमलावरों ने जान ले ली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला के शरीर पर गोली लगने के 19 निशान थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को इथेनॉल जैसे विकल्प ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि और निर्माण उपकरण में इथेनॉल के इस्तेमाल के प्रयास चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन भविष्य है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसों के बाद अब जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स और बसें भी आएंगी। मैं इन्हें जल्द लॉन्च करने जा रहा हूं। गडकरी ने पुणे में भी ये बात राज्य स्तरीय शुगर कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पंजाब भाजपा मुख्यालय चंडीगढ़ में पंजाब के भाजपा नेताओं से मुलाकात करते देखे गए। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग के दौरान पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा का दामन थामते देखे गए। इनमें पूर्व मंत्री राजकुमार बेड़का, बलवीर सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ का नाम शामिल है। इन सभी नेताओं का सुनील जाखड़ और मनजिंदर सिरसा के साथ एक वीडियो भी सामने आई है। पैरालंपिक में दोहरे पदक विजेता सिंह राज अधाना समेत भारतीय पैरा निशानेबाजी दल के 6 सदस्यों को भारत सरकार के दखल के बावजूद वीजा नहीं मिलने से वो फ्रांस में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भाग नहीं ले सकेंगे। टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा के ट्वीट करने के बाद ये मामला प्रकाश में आया। उन्होंने अपनी माँ श्वेता जेवारिया और कोच राकेश मनपत को वीजा नहीं मिलने पर मदद की मांग की है। अगले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकती है। विदेशी ब्रोकरेज ने बीते शुक्रवार अपने रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई अगली मीटिंग में रेपो रेट में 0.40% का इजाफा कर सकती है। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने यह दावा किया है। दक्षिणी पश्चिमी चीन के गुइझोउ प्रांत में शनिवार को भूस्खलन के कारण एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें चालक की जान चली गई और कम से कम 7 यात्री घायल हो गए हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी गुइयांग प्रांत से दक्षिणी प्रांत ग्वांगझू की तरफ जा रही बुलेट ट्रेन D2809 उस समय रोंगजियांग स्टेशन पर अचानक हुए भूस्खलन के कारण पटरी से उतर गई। हिमाचल प्रदेश में हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले को लेकर राज्य सरकार को छात्र संगठनों के साथ साथ विपक्ष का भी भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। कांग्रेस ने राजधानी शिमला में स्थित राजभवन पर यह प्रदर्शन किया। कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में की गई है। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित जदयू के झारखंड अध्यक्ष खीरू महतो आज रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए गंगोत्री कुजरू को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दे दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देश के बीच चल रहे युद्ध को 3 घंटे तक रुकवाया था ताकि भारतीय छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस आ सके। ये दावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है। प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार के लिए युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों को निकालना एक बड़ी चुनौती थी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल के सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। पूरे सीजन में वो बेंच पर बैठे रहे हैं। मुंबई इंडियंस के आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से जल्द ही बाहर होने के बाद ऋतिक शौकीन से लेकर के कुमार कार्तिकेय जैसे युवा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल हुए, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को मौका नहीं मिल पाया। मुंबई के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने हाल ही में इस मुद्दे पर कहा था कि अर्जुन को अभी अपने स्किल्स में और सुधार लाने की जरूरत है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि किसी भी व्यापारिक संगठन का उद्देश्य केवल कुछ लोगों के हित के लिए कार्य करने का नहीं बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनने का होना चाहिए। इस राष्ट्रपति ने यह बात मर्चेंट्स चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें वर्ष के अवसर पर आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मर्चेंट्स चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार लगातार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ तेजी से रुख कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ चल रहे हैं, आने वाले दिनों में जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक भी लॉन्च होंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस 8 जून 2022 को हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर रहा है। आईटीबीपी भर्ती 2022 के अनुसार योग्य उम्मीदवार से 8 जून 2022 से 7 जुलाई 2022 तक इन पदों के लिए recruitment.itbpolice.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है। पोलकाडॉट क्रिप्टो करेंसी की कीमत में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्रिप्टो बाजार में इस डिजिटल करेंसी का भाव 4.09% या 32.97 रुपए फिसल गया। इस गिरावट के बाद टॉप 10 डिजिटल करेंसी में शामिल पोलकाडॉट की कीमत कम होकर 774.5 रुपए पर आ गई है। इस कीमत में इसका बाजार पूंजीकरण भी कम होकर 718.3 अरब रुपए पर पहुंच गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शुरू से ही पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन से हटकर 100% बायो एथेनॉल से चलने वाले इंजनों पर जोर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को पुणे में वसंत दादा चीनी संस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चीनी सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए एक बार फिर से इस पर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एथेनॉल और मेथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ साथ इलेक्ट्रिक भविष्य है। मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं ई वाहनों की बात करता था तो लोग मुझसे सवाल करते थे। जापान की राजकुमारी यूरिको शनिवार को अपने जीवन के 99 वसंत पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कोई उत्सव नहीं होने की बात भी कही है। जापान के निप्पान टीवी ने शनिवार को कहा कि सम्राट निरुहितो के पिता सम्राट एमेरिटस अकिहितो की चाची राजकुमारी यूरिको जापान के शाही परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी हाल ही में कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्या देखना राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के पीछे वजह थी जो पूरी हो चुकी है। किसी मंदिर के लिए अब नया आंदोलन नहीं करना है। ज्ञानवापी का जिक्र करते हुए कहा कि हर एक को पूजा करने का अधिकार है, लेकिन इतिहास की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। जो इतिहास में हुआ उसके लिए आज का हिंदू या मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है। हमारे पूर्वज तो एक ही थे, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। शोएब अख्तर ने स्पोर्ट्स कीड़ा पर हरभजन सिंह से बात करते हुए कहा कि भारत को T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान से हार मिली थी और टीम इंडिया को इससे सबक लेना चाहिए। अख्तर ने मैन इन ब्लू को चेतावनी दी है कि इस बार वो उस तरह की रैंडम टीम ना उतारे जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। इस बार भारत को यह समझना होगा कि टीम में खिलाड़ियों की भूमिका क्या होगी और उन्हें क्या करना है। शोएब ने कहा कि बिना खिलाड़ियों की भूमिका तय किए भारत एक रैंडम टीम का चयन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि प्रबंधन को टीम का चयन सावधानी से करना चाहिए। ओडिशा में कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया है कि राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब कल यानी कि रविवार दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। दरअसल सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने 29 मई 2022 को अपने 5वें कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में कैबिनेट में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही थी और अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,048 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ 1,81,53,851 हो गई है। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार पिछले दिनों संक्रमण के दैनिक केस 12,542 के नीचे रहे और एक सप्ताह पहले इनकी संख्या 14,396 से कम थी। पिछले सप्ताह संक्रमण के दैनिक औसत मामलों की संख्या 12,322 रही थी। यूक्रेन और रूस युद्ध को करीब 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन के शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना ने डोनबास के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सिविरोडोनेस्क में रूसी सेना के घुसने की सूचना दे दी है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 जून को गुजरात के मेहसाणा शहर में तिरंगा यात्रा के साथ रोड शो करेंगे। आपके एक नेता ने शनिवार को कहा है कि वो रोड शो के दौरान एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की 3 महीने में गुजरात की 4थी यात्रा होगी, जहां इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस महामारी के सक्रिय मामले लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इस बीच बीते 24 घंटे में सक्रिय मामले 1239 बढ़कर 22,416 हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 39,062 नए मामले सामने आए हैं और इनके साथ ही देश में कोरोना रोगियों की संख्या 22,416 हो गई है। यह संक्रमित मामलों का 0.05% है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन नए खतरे के रूप में तेजी से सामने आए हैं। दरअसल इन ड्रोनों ने अब हथियार, मादक पदार्थ की डिलीवरी में कम हमलों तक का सफर सफलतापूर्वक तय किया है। पिछले साल पहली बार देश के किसी वायु सैनिक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हुए बम हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और एयर डिफेंस सिस्टम की सटीकता पर भी सवाल उठा दिए थे। ये उन दावों की पोल भी खोलते हैं जिनमें अक्सर सुरक्षा एजेंसियां दावा करती है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। शुक्रवार को मेरठ जिले के जंगेठी गांव में धर्मेश्वरी फार्मा पर भाकियू की एक समीक्षा सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी की षड्यंत्रकारियों द्वारा गोली मार कर जान ली गई थी, उसी प्रकार आज भी देश और देश के किसानों की आवाज उठाने वाले षड्यंत्रकारियों के निशाने पर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है शत्रुघ्न बैठा, नुनू कुमार, राहुल राज, मिस्टर पीकेएस, अभिषेक रजक, मिंटू कुमार, रवि यादव, जितेंद्र कुमार, सृष्टि, साक्षी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या फिर से सख्तियों को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।